जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि आज का वीडियो है क्यों नहीं वीडियो। बहुत सारे दोस्तों लोगों का सवाल था रेसिडेंशियल कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ, जिसको हम शॉर्ट का सब ICRC और CC बोलते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और बहुत सारे मज़ा भी और फनी क्वेश्चन भी आने वाला है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक तो प्यारे से भाई का सवाल था कि मेरे पास सब चीज़ें हैं लेकिन CSE ID नहीं है, तो IC RC और CC बना सकता हूँ? कहते हैं आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपके पास CSE यानी कि जो परीक्षा केंद्र होता है उनको ब्लॉक द्वारा ID मिलता है। तो अगर आपके पास ID नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ रसीद है, खतियान नहीं, क्या IC RC और CC बना सकता हूँ? तो देखिए भाई लोग, आपके पास यदि रसीद है और आपके पास खतियान नहीं है तो आपके पास केवाला जरूर होगा ज़मीन का, तो उससे भी आपका कार्य हो सकता है दोस्तों। अब देखिए तीसरा सवाल था, मेरा खतियान नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट से बन सकता है क्या? देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा फनी सवाल है। आपको बनाना है IC CC और RC, तो बर्थ सर्टिफिकेट से कैसे बन सकता है भाई लोग बताइए? बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। बिना खतियान नहीं होगा तो कैसे बनाए? तो जब खतियान ही नहीं होगा तो आपको बता दिया हमने कि आपको केवाला से बन जाएगा। ज़मीन नहीं है, आवासीय नहीं है, कैसे अप्लाई होगा? देखिए आपके पास ज़मीन नहीं है, आवासीय नहीं है, तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकता। आपके पास कोई भी तो रहने का प्रमाण होना चाहिए दोस्तों। कास्ट सर्टिफिकेट तत्काल कैसे बनाए? तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट तत्काल बनाने के लिए हमने आपको वीडियो बना रखा है कि जब आप पूरी डॉक्यूमेंट मतलब फॉर्म जब परीक्षण से लेते हैं, पूरा उसको डॉक्यूमेंट भर देते हैं, उसके बाद आपको अपने प्रखंड में और CO साहब से उस पर मोहर और साइन लगवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाकर परीक्षण केंद्र में जमा कर देना है। तत्काल के लिए आपको 1 से 2 दिन में गारंटेड रूप से बन जाएगा दोस्तों। तीसरा सवाल है, पहले झारखंड आवासी बनाने में ज़मीन का कागज़ नहीं लगता था, लेकिन हम लोग 30 साल से झारखंड में रह रहे हैं, पढ़ाई सब कुछ यहाँ हुआ, आवासीय बन सकता है क्या? तो आवासीय आपको बिल्कुल भी बन सकता है, लेकिन यदि आप झारखंड में रह रहे हैं 30 साल पहले से, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ तो प्रमाण होना चाहिए दोस्तों। या तो आप किसी ज़मीन खरीदेंगे तो उसका केवाला होगा, किसी भी तरह का जो है 30 साल से फॉर्म में भी लिखा हुआ रहता है कि झारखंड में झारखंड का नागरिक बनने के लिए मतलब कि यहाँ का एक प्रमाणित करने के लिए आपका 30 साल से यहाँ पे रहना बहुत ही ज़रूरी है। डिजिटल वाला डॉक्यूमेंट खतियान चलेगा? बिल्कुल चलेगा, आपका तो खतियान से मतलब है, या तो वो डिजिटल रहे या तो बिना डिजिटल रहे, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। अब देखिए फॉर्म में बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए फॉर्म में बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसका भी डिटेल वीडियो मेरा दूसरा बना हुआ है, पुराना वीडियो, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जिस तरह डिटेल भरा हो वही चीज़ सारा उसमें भरना रहता है दोस्तों। या तो आप इसमें देख लीजिएगा मेरा जो सबसे लास्ट वीडियो है इनकम सर्टिफिकेट या तो कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ, तो उसमें पूरी डिटेल तरीके से हमने बताया हुआ है कि कहाँ क्या भरना है और उसका मतलब क्या होता है दोस्तों। बना हुआ अपडेट कैसे करें? तो आप जानते हैं कि हर बार नया बनाना पड़ता है, तो बना हुआ अपडेट होने का कोई भी तकरीब नहीं है दोस्तों। भाई का सवाल है दोस्तों, 1991 का खतियान है तो चलेगा, कौन सा एयर का होना चाहिए? देखिए आपके पास खतियान है, अगर रहती ज़मीन का खतियान है और यहाँ झारखंड का ही सारा चीज़ है, तो क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, या तो केवाला होगा उससे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। नाना का खतियान से रेसिडेंस बनेगा या नहीं? तो देखिए नाना का खतियान और पेपर से भी रेसिडेंस जो है सो बन सकता है दोस्तों, लेकिन उनके लिए आपको पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी सारा चीज़ आपको लिखना होगा। यदि आप नाना घर में रह रहे हैं तो वहाँ का भी कोई प्रमाणित चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है दोस्तों। खतियान क्या होता है? तो एक भाई का क्वेश्चन है कि खतियान क्या होता है? तो खतियान क्या होता है? तो खतियान ये होता है कि जो भी आपके पास ज़मीन है, जो रहती ज़मीन है, तो उस ज़मीन का एक अलग मतलब कि जो ज़मीन का पेपर होता है केवाला किया हुआ, तो उसके साथ एक ठो एक्स्ट्रा पेपर रहता है जिसमें सिर्फ मतलब पूरा वंशज का नाम लिखा हुआ रहता है कि किसके नाम से कितना ज़मीन है, क्या इसका थाना नंबर है, कितना प्लॉट नंबर है, सारा चीज़ डिटेल रूप से लिखा हुआ रहता है दोस्तों। अब देखिए रसीद ऑनलाइन वाला लगता है क्या? आपका रसीद ऑनलाइन भी रहेगा या तो ऑफलाइन भी रहेगा, तो पुराना रसीद भी रहेगा, किसी भी रसीद से आपका काम चल जाएगा, सिर्फ आपका रसीद ओरिजिनल होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक भाई का क्वेश्चन है कि अदर स्टेट से लोगों के लिए कोई उपाय है या नहीं, या नहीं बन सकता है? देखिए दोस्तों, यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आप बिल्कुल भी आपका झारखंड में नहीं बन सकता है, क्योंकि ये सिर्फ झारखंड वासियों के लिए है, तो आपका नहीं बन सकता है।
अब देखिए दोस्तों, एक भाई का बहुत ही प्यारा सा सवाल है। जो स्टूडेंट बिहार से 10th तक पढ़े हैं, अगर झारखंड का एजुकेशनल रेसिडेंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं क्या? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। ना झारखंड में आप पढ़े हैं, ना यहाँ का कोई प्रमाण है, तो आप यहाँ एजुकेशनल रेसिडेंशियल कैसे आप बना सकते हैं? झारखंड के स्कूल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तो आप झारखंड में पढ़े लिखे हैं कि नहीं, आपको एजुकेशनल बनाना था, झारखंड का तो आपको होना ज़रूरी है दोस्तों। जाति बनाने के लिए कोई आईडी की ज़रूरत होती है? जी हाँ दोस्तों, आईडी की ज़रूरत होती है, नहीं तो कोई भी ऐसी अप्लाई कर लेता और उसका बन के आ जाता है। निवास प्रमाण पत्र बराबर स्थानीय प्रमाण पत्र, यानी कि एक भाई का कहना है कि निवास प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र में क्या अंतर है? तो देखिए, जो निवास प्रमाण पत्र है और जो स्थानीय प्रमाण पत्र है और जो रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र है, वो तीनों एक ही चीज़ है दोस्तों, सिर्फ एक थोड़ा बोलने का लैंग्वेज अलग है। सर, ये फॉर्म ऑनलाइन निकाल सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, आप ऑनलाइन ये फॉर्म को निकाल सकते हैं। मतलब ऑनलाइन फॉर्म जो है सर्च मार करके झारखंड में जो भी आपका कास्ट का निकालें, रेसिडेंट का निकालें, वो टोटल आप सर्च करके निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कितना दिन में बन जाएगा? देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नॉर्मल वेज में मतलब आराम से डॉक्यूमेंट भर के यदि आप जमा कर देते हैं, तो आपका कम से कम 15 दिन के अंदर टाइम लग जाता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है तो 25 दिन के अंदर लगभग आपका गारंटेड रूप से बन ही जाता है। सर, एजुकेशन 10th 12th इन झारखंड, मेरी माँ 2005 से गवर्नमेंट जॉब में, हम लोग 2017 में ज़मीन खरीदें, तो स्थानीय मूल निवास बना सकते हैं क्या? तो स्थानीय मूल निवास आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका झारखंड में 30 साल नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर नहीं बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो स्थानीय प्रमाण पत्र जो उसका जो पेपर है तो उसमें भी लिखा हुआ है कि क्या झारखंड में वो 30 वर्षों से रह रहे हैं या नहीं। कौन सा लेवल बेस्ट रहेगा, CU, SDU या DC? तो देखिए, आप तीनों में से कोई भी लेवल आप बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं तो CU लेवल के बना सकते हैं, उससे थोड़ा लेट में बनाना चाहते हैं तो SDU लेवल के बना सकते हैं। अब देखिए, बात रह गई CU, SDU और DC में क्या अंतर होता है, तो इसमें अंतर ही होता है दोस्तों, अगर आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, किसी छोटा मोटा स्कूल का वर्क करना है, तो आप CU लेवल या तो SDU लेवल को प्राथमिकता दे सकते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा 99% SDU लेवल को प्राथमिकता देते हैं ताकि सारे कार्यों में उनका काम आ जाए दोस्तों। अब होता है DC लेवल क्या होता है कि कोई भी जब सेंट्रल लेवल जो कोई निकालते हैं, जैसे कोई आर्मी में जाते हैं या किसी जॉब ऐसे में जाते हैं, तो उसमें DC लेवल का आपको डॉक्यूमेंट मतलब बना के मांगता है दोस्तों, तो उसमें आपको DC लेवल का बनाना पड़ता है। मेरे पास 1986 का कास्ट बन सकता है? मेरे पास 1986 का पेपर कास्ट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, सिर्फ आपके पास ओरिजिनल सारा पेपर होना चाहिए दोस्तों। मैं झारखंड से हूँ, शादी झारखंड में हुई, तो रेसिडेंशियल हस्बैंड के नाम से बनाऊँ या फादर के नाम से? जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, वो हस्बैंड के नाम से नहीं बनता है, जहाँ के आप हैं वहीं के नाम से बन सकता है ना। आप आपका जो स्थानीय है वो वहीं के नाम से बनेगा जहाँ पे आप जन्मे हैं। देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि मैं झारखंड से, मेरी शादी झारखंड में, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हस्बैंड के नाम से बनाऊँ या फादर के नाम से? तो यदि आपका आधार कार्ड है तो डॉक्यूमेंट यदि आप हस्बैंड के नाम से बना लिए होंगे तो आप हस्बैंड के ही नाम से बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप दो चीज़ कीजिएगा, एक परमानेंट एड्रेस और एक कैडन एड्रेस। उसमें दोनों ऑप्शन रहता है कि आप अभी जो है वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं और आप पहले कहाँ रह रहे थे, तो दोनों चीज़ आप दर्शा दीजिएगा। यदि लेकिन आपके पास आधार कार्ड इस समय कोई बदलाव अभी तक नहीं करवाए हैं और यदि आपको बनाना है तो आप अपने फादर के नाम से बना लें और परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका स्थानीय है वहाँ का डाल दें, और फिर अपने जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वो वर्तमान समय का भी एड्रेस उसमें डाल दें, आपका दोनों एड्रेस उसमें डाला जाएगा। एक सबसे लास्ट सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल, कि एफिडेविट किसमें नहीं लगता है? तो देखिए दोस्तों, एफिडेविट जो है जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, जिसको छोटे भाषा में IC बोलते हैं, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट में एफिडेविट लगता है, लेकिन RC रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में और कास्ट सर्टिफिकेट में एफिडेविट बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यानी कि आपका कास्ट बनाना हो, रेसिडेंशियल बनाना हो, तो इसमें आपको कम पैसा में बन जाता है, सिर्फ आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना रहेगा तो आपको उसमें 80 से 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेज आपको लग जाता है दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों को जवाब दे पाया, और बहुत सारे मित्रों का सवाल अगर छूट भी गया होगा तो फिर कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम सवाल को लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ऐसी भी हमने कोशिश की, जितने भी सवाल हो सकते थे मैंने लाने का प्रयास किया दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए करेंगे आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।